आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मार्केट के दो सबसे पॉपुलर ब्रांड के नेकबैंड्स, यानी कि वन प्लस के बुलेट बैरल जी बेस एडिशन एंड रियलमी के ईयरबड्स। एंड फ्रेंड्स, रियलमी ईयरबड्स को मैं लास्ट वन ईयर से यूज कर रहा हूँ एंड साथ में वन प्लस की बुलेट बैरल जी को मैं लास्ट 6 महीने से यूज कर रहा हूँ। और आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट अपना रिव्यू देने वाला हूँ इन दोनों बड्स का, कि एक साल बाद यूज करने के बाद इनकी बैटरी लाइफ में, इनके साउंड क्वालिटी में कितना फर्क पड़ता है, क्या इनकी बैटरी लाइफ घटती है, क्या इनकी साउंड क्वालिटी में कोई खराबी आती है, ये सब आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं तो आप अपने पैकेट में क्या क्या देखने को मिलेगा। कंपनी क्लेम करती है स्वेट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है एंड कंपनी क्लेम करती है 12 घंटे तक प्लेबैक टाइम दे देते हैं। तो एक साल यूज करने के बाद क्या कंपनी अपने क्लेम पे खरी उतरती है एंड जब मैंने इनको नया खरीदा था और आज इतना लंबा समय यूज करने के बाद इनमें मुझे क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। साथ में जब आप इनको ऑर्डर करेंगे तो आपको अपने पैकेट में क्या क्या देखने को मिलेगा, इनकी डिजाइन कैसी है, कौन सी कलर वेरियंट में ये आते हैं, किस प्राइस में आपको देखने को मिलेंगी, किस किस प्लेटफॉर्म पे आप इसको खरीद सकते हैं एंड आज हम इस वीडियो में ये सब कुछ ही जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज नीचे वाले लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके टाइम को करते हैं डिजिटल टाइम और सीखते हैं कुछ नया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन की। तो फ्रेंड्स, वन प्लस की बुलेट वायरलेस की जो डिजाइन है वो काफी अच्छी है। आपको यहाँ पर इस पे जो है बिल्ड देखने को मिल जाएगा एंड इसकी मैग्नेटिक टाइप भी काफी अच्छी है एंड आपके रनिंग में, आपके वॉकिंग में ये गिरने से आपको इसको बचाता है, ये किट आपके कान में काफी अच्छा सेट हो जाता है। एंड फ्रेंड्स, बात करें इसकी कलर की, उसमें मैंने रेड कलर इसको परचेज किया है। अगर आप चाहें तो आप उसको और अदर कलर में भी परचेज कर सकते हैं, सारे कलर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स, बात करें इसकी बैक साइड की, तो आपको यहाँ पर सिर्फ वन प्लस की ब्रांडिंग मिलेगी, इसके अलावा आपको प्लास्टिक बिल्ट मटेरियल मिलेगा। अब बात करते हैं लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर एक माइक का बटन, साथ में प्लस माइनस एंड कोर को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप थोड़ी सी लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको यहाँ पर टाइप सी का जो चार्जिंग पोर्ट है वो मिल जाता है, टाइप सी केबल से आप इस ईयरफोन को चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रियलमी बड्स की। तो फ्रेंड्स, रियलमी बड्स में आपको लेफ्ट साइड में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक मटेरियल बिल्ड क्वालिटी का है। वन प्लस में आपको एक प्लास्टिक बिल्ड मटेरियल में मिला था, लेकिन रियलमी में ये एल्युमिनियम बिल्ड क्वालिटी है। एंड राइट साइड में अगर देखे तो आपको प्लस माइनस का बटन एंड कोर को डिस्कनेक्ट कनेक्ट करने का बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है एंड आपको यहाँ पर माइक का पॉइंट भी देखने को मिलेगा। एंड साथ में अगर आप इसकी राइट साइड में थोड़ा सा देखेंगे तो आपको यहाँ पर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा। वन प्लस के नेकबैंड टाइप सी केबल से चार्ज होते हैं, लेकिन जो रियलमी का नेकबैंड है ये यूएसबी केबल से चार्ज होता है। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको टाइप सी पोर्ट के साथ जाना है या फिर यूएसबी पोर्ट के साथ, क्योंकि अगर आपका मोबाइल टाइप सी केबल सपोर्ट करता है तो उसके हिसाब से वन प्लस का आपके लिए काफी ज्यादा कंफर्ट देगा। लेकिन अगर आप रियलमी ईयरफोन के साथ जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यूएसबी केबल अपने साथ कैरी करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इन दोनों की वायर क्वालिटी की। तो फ्रेंड्स, वायर क्वालिटी की बात करें तो इन दोनों की वायर क्वालिटी बिल्कुल सेम है, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बस आपको यहाँ पर कलर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी, बिल्ड मटेरियल की बात करेंगे तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वेट की। तो रियलमी बड्स में आपको 25 से 26 ग्राम वेट देखने को मिलेगा एंड बात करें वन प्लस की तो आपको यहाँ पर 30 से 36 ग्राम के समथिंग वेट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं चार्जिंग टाइम की। तो फ्रेंड्स, रियलमी बड्स की जो अभी चार्जिंग टाइम है वो 2 घंटे है, 2 घंटे में कम्प्लीट चार्ज हो जाता है, लेकिन जब मैंने इसको खरीदा था उस टाइम ये करीब 110 मिनट यानी कि 1 घंटे 50 मिनट 1 घंटे 40 मिनट के अप्रोक्सिमेट टाइम लेता था चार्ज होने में। तो अभी एक साल यूज करने के बाद भी इसमें चार्जिंग टाइम में कोई खास डिफरेंस मेरे को देखने को नहीं मिला है, जो कि ये एक अच्छी बात है। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं वन प्लस की चार्जिंग टाइम की। तो फ्रेंड, इसके जो चार्जिंग टाइम है अभी 50 से 60 मिनट के अप्रोक्स है, 50 से 60 मिनट में कम्प्लीट चार्ज हो जाता है। और इसकी चार्जिंग टाइम में जो मैंने इसको 6 महीने पहले खरीदा था और अभी के टाइम में कोई खास डिफरेंस देखने को मुझे नहीं मिला है, तभी भी ये 50 से 60 मिनट के अप्रोक्स लेता था चार्ज होने में और आज भी इतना ही टाइम लेता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्लेबैक टाइम की। तो फ्रेंड्स, जैसे रियलमी के बॉक्स के पीछे भी यहाँ पर सब मेंशन है कि कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है कि यहाँ पर 12 आवर का प्लेबैक टाइम आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स रियलिटी है कि आपको यहाँ पर 9 घंटे के आसपास आपका प्लेबैक टाइम यहाँ पर रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वन प्लस के प्लेबैक टाइम की। तो जैसे कि कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है कि यहाँ पर 17 आवर का आपको प्लेबैक टाइम देखने को मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स रियलिटी है कि यहाँ पर आपको 13 से 14 घंटे के अप्रोक्स आपको यहाँ पर जो आपका प्लेबैक टाइम है वो रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वाटर प्रूफ और स्वेट प्रूफ की। तो फ्रेंड्स, रियलमी जो बड्स है वो आपको स्वेट प्रूफ देखने को मिलेगी एंड जो वन प्लस की बुलेट वायरलेस जी है ये आपको स्वेट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ दोनों देखने को मिलेंगी, जैसे कि कंपनी क्लेम करती है। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने इसको पानी में डुबाकर तो खैर नहीं देखा है, लेकिन इतना है कि दोनों ही स्वेट प्रूफ तो है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इसको काफी टाइम से भी यूज कर रहा हूँ। तो गर्मियों के टाइम में भी काफी जब यहाँ पर पसीना वगैरह आ जाता है या फिर कई बार ये छोटे मोटे गीले हाथ उन पर लगा देते हैं तो इनमें कुछ तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इवन दोनों ही स्वेट प्रूफ तो है।
तो वाटरप्रूफ की तो कंपनी क्लेम करती है कि वाटरप्रूफ है, लेकिन आपको इसके लिए इसे पानी में डालना होगा। लेकिन फ्रेंड्स सही बताऊं तो मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं उसको पानी में डुबा कर एक बार ट्राई करके इनको सही होने की या खराब होने की रिस्क ले सकूं। फ्रेंड्स दोनों ही ईयरफोन में आपको ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी एंड साथ में दोनों की जो यहाँ रबड़ मटेरियल है वो काफी स्मूथ है। लेकिन फ्रेंड्स बात करें इसके ऊपर के मटेरियल की, फिर भी मैं आपको कहूंगा कि OnePlus के बुलेट वायरलेस के जो बिल्ड मटेरियल है वो Realme की से काफी अच्छा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि OnePlus की बुलेट वायरलेस फिर भी एक ही हाथ में आ गई है, लेकिन जब मैं अपने हाथ को खोलूंगा तो भी ये अपने हाथ में स्टेबल रहेगी। लेकिन अगर जब बात करते हैं Realme Buds की तो Realme Buds में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, तो हाथ में आ तो जाएगी लेकिन ये जैसे आप हाथ खोलेंगे तो वापस से स्ट्रेच हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर मैं बिल्ड क्वालिटी में नंबर दूं तो 10 नंबर दूंगा मैं OnePlus बुलेट वायरलेस को और 9 नंबर दूंगा मैं Realme Buds को। हालांकि अगर आप गर्दन में इनको लटकाते हैं तो दोनों ही कंफर्टेबल है, दोनों में आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी जो इजी मटेरियल है, स्मूथ मटेरियल है, वो है OnePlus बुलेट वायरलेस जी का। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कॉल क्वालिटी की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कॉल क्वालिटी दो तरीके की होती है, एक जो हम बोलते हैं और वो सामने वाला सुनता है और जो सामने वाला बोलता है और एक हम सुनते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों की कनेक्टिविटी और दोनों की जो साउंड क्वालिटी है वो आपको मैं यहाँ सुनाने वाला हूँ। तो अभी आप सुनिए OnePlus के माइक क्वालिटी की, जब हम बोलते हैं तो और वो सामने वाला सुनता है। तो अभी मेरी अगली आवाज OnePlus बुलेट वायरलेस जी बेस्ट एडिशन से। तो अभी जब भी कोई आप कॉल पे होते हैं तो यही साउंड सामने वाले लिसनर को सुनाई देती है। तो फ्रेंड्स OnePlus की साउंड आपने सुनी ली, अब मैं आपको साउंड सुनाता हूँ Realme से। एंड फ्रेंड्स जो अभी अभी आवाज सुन रहे हैं ये है Realme Buds वायरलेस से। एंड आप यहाँ पर कंपेरिजन कर सकते हैं OnePlus एंड Realme में। तो फ्रेंड्स ये जाती है माइक की बात की, जब हम बोलते हैं और सामने वाले को सुनता है। तो फ्रेंड्स इन दोनों की साउंड क्वालिटी मुझे कोई काफी मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, दोनों की साउंड क्वालिटी मुझे सेम लगी है। लेकिन अगर आपको उसमें से कोई डिफरेंस लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं स्पीकर क्वालिटी की। तो फ्रेंड्स स्पीकर वो जो सामने वाला बोलता है उसे हम सुनते हैं। तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट आवाज होगी OnePlus बुलेट वायरलेस की। वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी इनपुट, प्लीज ट्राई अगेन। फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं। तो फ्रेंड OnePlus की अगर आपने आवाज सुन ली है तो अब आप सुनिए नेक्स्ट आवाज Realme Buds की। फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं। फॉर अदर लैंग्वेजेस। तो फ्रेंड्स आपने दोनों माइक और स्पीकर दोनों की आवाज सुनी, सॉरी। तो फ्रेंड्स आपने माइक और स्पीकर दोनों की आवाज सुनी ही है, तो मेरे हिसाब से तो फ्रेंड्स इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों की साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है, दोनों की साउंड क्वालिटी बिल्कुल सेम है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है OnePlus बुलेट वायरलेस में। आप अगर साउंड के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं तो आप इन दोनों की साउंड को सुन लीजिएगा तो भी आपको जरा भी डिफरेंस इन दोनों साउंड में नहीं लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस ये है कि OnePlus की बुलेट वायरलेस की आवाज को अगर फुल साउंड में अगर आप सुनते हैं तो इसकी आवाज कान से बाहर निकलती है। इसलिए अगर आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं या फिर आप मोबाइल में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि करने लायक नहीं है तो फ्रेंड्स आपके पीछे से माताजी या पिताजी की रात भी आ सकती है। आप इसको अपने नेगेटिव भी बोल सकते हैं, अपने हिसाब से उसको पॉजिटिव भी बोले, लेकिन फ्रेंड्स मेरे हिसाब से ये नेगेटिव है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इसकी आवाज को कम कर देते हैं 50%, 40%, 60% के अप्रोक्स आप इसकी आवाज रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, आपकी जो आवाज है वो बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन फ्रेंड्स Realme में आप इसको फुल साउंड में सुनिएगा या फिर कम आवाज में तो इसकी आवाज बाहर आपको जाएगी नहीं। 100% पे तो बहुत स्लाइटली जाती है, बहुत स्लाइटली कि वो ना के बराबर ही होती है, लेकिन आप उसको 90% पे सुनेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, इसकी आवाज बाहर नहीं जाती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। तो फ्रेंड्स की जो कनेक्टिविटी है वो मैग्नेटिक कनेक्टिविटी है, आप जैसे इसको डिटेच करेंगे तो ये आपके जो मोबाइल डिवाइस है उससे कनेक्ट हो जाएगा और सेम इसमें आपको Realme में देखने को मिलेगा। दोनों की कनेक्टिविटी की स्पीड फास्ट है, दोनों में आपको कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही इजीली आपके मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं। OnePlus की ईयरफोन के साथ एक जरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर आपके पास OnePlus का मोबाइल है तो इसकी कनेक्टिविटी और भी ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो फ्रेंड अब बात करते हैं डिस्टेंस कनेक्टिविटी की। तो फ्रेंड दोनों ही ईयरफोन आपके 10 मीटर की डिस्टेंस में आपके साउंड को कनेक्ट करके रखते हैं, जैसे ही 10 मीटर के अप्रोक्स आप जाते हैं तो आपकी साउंड थोड़ी थोड़ी कटने लग जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो भी बिल्कुल सेम है, इसमें आपको भी जरा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं बेस की कि गाने में जब बेस होता है तो वो किस ईयरफोन में बेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप बेस की ज्यादा शौकीन है तो फ्रेंड्स आपको बिना सोचे OnePlus के बुलेट वायरलेस के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये है बेस एडिशन। तो फ्रेंड्स जैसे ही इसका नाम है इसका काम किया तो इसका बेस एडिशन Realme Buds से तो अच्छा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको बेस सुनना है तो आप OnePlus के बड्स के साथ जाइएगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं प्राइस की। तो फ्रेंड्स जो इसकी प्राइस है OnePlus बुलेट वायरलेस की, इसकी प्राइस है 1999 में, यानी 1999। एंड ये OnePlus की ऑफिशियल साइट एंड Amazon पे आपको देखने को मिल जाएगा।
बात करें रियलमी की तो फ्रेंड इसकी जो नॉर्मल रेंज की प्राइस होती होगी 1799 की 1799। ये आपको फ्लिपकार्ट मिंत्रा एमेजोन इन तीन साइट और रियलमी की ऑफिशियल साइट इन चार साइट पे देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड इसकी जो रियलमी की जो प्राइस है वो बीच बीच में 1499 रुपए की 1499 भी होती है जो अपने रियल प्राइस से 300 रुपए कम है और ये काफी अच्छा ऑफर हो जाता है जब इस टाइम पे इसकी प्राइस चलती है। ऐसे अगर फ्रेंड्स ऑफर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ जब इसकी प्राइस 1499 में हो जाती है और ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होती है और कभी कभी होती है मंथ में शायद एक बार दो बार या तीन बार, तो उस टाइम पे फ्रेंड्स इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डालता हूँ तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी तरीके की ऑफर जो चाहे वो ईयरफोन से रिलेटेड हो चाहे वो किसी से रिलेटेड भी चाहे वो अमेजन हो फ्लिपकार्ट हो मिंत्रा हो द होम्स हो द बेंस कंपनी हो बियर्डो हो या वॉलमार्ट फ्रेंड्स इसी तरीके की 100+ वेबसाइट्स के ऑफर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन ऑफर डिजिटल टाइम बिक्री। ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन एरिया भी चेक कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स इन दोनों की जो बेस्ट बाइंग लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दी है, आप चाहें तो एक बार इनकी प्राइस जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या पता इनकी प्राइस और भी कम हो गई हो, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये उस समय की प्राइस है। तो फ्रेंड्स जब आप इसको ऑर्डर करेंगे ऑनलाइन तो आपको अपने बॉक्स के साथ आपको मेन यूनिट यानी कि आपकी ईयरफोन तो मिलेगी, उसके साथ दोनों ही ईयरफोन्स में आपको दो दो एक्स्ट्रा क्लिप्स मिल जाते हैं, एक यूजर मैनुअल मिलती है, इसके साथ आपको एक केबल मिलती है जो वन प्लस में तो टाइप सी केबल होती है और रियलमी में यूएसबी टाइप केबल होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करना कुछ भी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।